हूँ सानिया जीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज्यसभा मेंबर संजय राउत हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं इस बार संजय राउत केंद्रीय मंत्रियों को गाली देते हुए नजर आए। उन्होंने इस दौरान अपशब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि वो दूसरे सभी मुद्दों पर बोलते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान पर नहीं बोलते। उनका निशाना बीजेपी पर था। इस पूरे मामले में विवादित बयान देते हुए संजय राउत ने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। सुनिए केंद्रीय मंत्रियों को अपशब्द कहते हुए संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। इतर सगळ्या विषयांवर बोलताय आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अपमानावर बोलत नाही। मला असं वाटलं होतं, आम्हाला असं वाटलं होतं कोणीतरी एखादा मायेचा लाल स्वाभिमानी केंद्रामध्ये उभा राहील केंद्रीय मंत्री आणि राजीनामा देईल आणि महाराष्ट्रात परतेल। शिवाजी महाराजांच्या स्वाभिमानासाठी मी हात त्याग केलाय म्हणून, पण सगळे गावचे औलाद आहे। 20-25-30 लोक उनको हमने चुनकर दिया है, उनको हमने उम्मीदवार बनाया है, जो हमारे पार्टी के चिन्ह पर चुनकर आए हैं वो चले गए, उसका मतलब पार्टी में स्प्लिट नहीं होता, समझ लीजिए वो हार जाएंगे। लेकिन ये सब संस्थाएं हैं, उनके ऊपर की सभी नियुक्तियां सरकार करती है अपनी मर्जी से। हम ये मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त और इंडिपेंडेंट बॉडी है। हमारे सामने केशन साहब का हमेशा आदर्श रहा, आगे भी रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा और जो शिवसेना है, जो उद्योग के नेतृत्व में, उनको न्याय मिलेगा।